अब मैं आपको स्टार्टिंग से ले जाता हूँ, वो मैंने सिर्फ वीडियो स्टार्ट करने के लिए वो लोकेशन से स्टार्ट किया था। एक्चुअली एंट्री वहाँ से नहीं है, उसके बगल से। मैं आपको एग्जैक्ट पोजीशन से स्टार्ट कराता हूँ कि कहाँ से ये लोकेशन स्टार्ट हो रही है। राइट, एक्चुअली ये एंट्री पॉइंट है। अभी हम लोग बाहर ही निकल सकते क्योंकि अभी सेशन कम्प्लीट हुआ नहीं है। सेशन कल सुबह 6:30 पे फिनिश होगा। राइट, तो यहाँ से अभी फिलहाल अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं से दिखाता हूँ। राइट, ये अपना एंट्री पॉइंट होगा, फिर ये आपका फीमेल रजिस्ट्रेशन पॉइंट। बुक्स भी यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, और ये है रजिस्ट्रेशन सेक्शन। ओके, ये राइट साइड में आपका इस तरफ जितना भी ये सब मेल रजिस्ट्रेशन का है, यहाँ अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन वगैरह यहीं होगा, और आपका जितना भी सामान वगैरह है वो यहीं सबमिट हो जाता है। और यहाँ से राइट सेक्शन में फीमेल रेसिडेंस है, मतलब ये पूरा एरिया जो इस तरफ जाता है वो फीमेल रेसिडेंस का। मैं एक बार हल्का सा आपको इधर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे पार्किंग सेक्शन भी है। अगर कोई कार ही लेके आता है, अपनी खुद की कार वगैरह है, तो यहाँ वो पार्क भी कर सकता है। इससे आगे वाला सेक्शन जितना भी ये जाएगा पोर्शन, ये जितना ही पोर्शन आगे आप देख रहे हो, ये सारा सारा फीमेल सेक्शन में आ जाता है। ओके, वहाँ हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग चलने वाले हैं मेल सेक्शन पे। मेल सेक्शन जो है वो अब हम आपको ले चलते हैं मेल सेक्शन की तरफ। विपासना आपको पता ही होगा, एक्चुअली विपासना अगर आप बोल रहे हो तो वो इंग्लिश टर्म के हिसाब से है। यहाँ साधक बैठे हुए हैं कुछ, आज 10वां दिन है, लोग यहाँ फिनिश कर चुके हैं अपना सेशन। और यहाँ इस तरफ की ग्रीनरी है, वो जो आपको दिख रहा है वो मेल रेसिडेंस का सेक्शन है। और यहाँ पे आज 10वां दिन है, आज मौन लोगों ने तोड़ा, मौन तोड़ा है तो भाई सब लोग दिल खोल के बात कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। सारे सारे साधक हैं जो 10 दिन तक मौन धारण किए हुए थे। और इस तरफ आपको गया मेल सेक्शन, जहाँ सारे सारे मेल्स रुके हुए थे 10 दिन के लिए। फ्रंट पे आप जो देख रहे हैं वो पगोडाज है। पगोडाज एक्चुअली सेल है जहाँ पे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसके पास में ले जाऊंगा। और ये मेरे राइट हैंड साइड में जो है, यहाँ पे आपका भोजनालय है, जो आप खाना वाना खाते हैं। तो मैं पहले वो अपना मेल सेक्शन दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था विपासना, एक्चुअली विपासना इज अ, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वो विपासना आएगा, लेकिन जब आप हिंदी में उसको जानेंगे तो वो बेसिकली विपश्यना है। विपश्यना का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। विपश्यना मतलब जो चीजें जैसी हैं उसको बिल्कुल वैसे ही वैसे देखना। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है जो मैं उसको अच्छे से आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये सारा सारा मेल सेक्शन है, ये जितने भी ब्लॉक्स भरे हुए हैं ये सब मेल सेक्शंस में आते हैं। और मैं आपको रूम्स भी दिखाता हूँ। यहाँ इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं, आपको 10 दिन तक बात नहीं करनी है किसी से, और रहना अपने सेपरेट रूम में है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रूम्स हैं ये साधक लोग साथ में, ये दो सेक्शंस में रूम पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये एक ब्लॉक है इस तरफ, और उधर भी कुछ काफ़ी ब्लॉक पड़े हुए हैं। ये कुछ छोटा सा पार्क है जहाँ हम लोग घूम सकते हैं, और ये इस तरफ भी ब्लॉक दिया हुआ है। तो मैं अपना जो मेरा ब्लॉक था ब्लॉक डी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और थोड़ा आपको विपश्यना के बारे में बताता जाता हूँ। विपश्यना एक्चुअली यहाँ हम लोग मेडिटेशन करते हैं, और कोई ऐसा वैसा मेडिटेशन नहीं है, बहुत ही डीप मेडिटेशन हम लोग करते हैं 10 डेज के लिए, जो कि 10 दिन तक आपको 10 घंटे मेडिटेशन करना है। खाना खाना है, सोना है, नहाना है और मेडिटेशन करना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं इसकी, जो बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं, टाइम टेबल्स हैं, मैं आपको सब दे दूंगा अलग से। फिलहाल ये आप देख लीजिए, फिर भी मोटा मोटा
ये हम लोग आ गए यहाँ पे, ये सेक्शन है। यहाँ हर एक बंदे को एक एक रूम मिलता है, हर बंदा अपने अपने एक सिंगल रूम में रहता है। मैं ठहरा हूं M46 में और मैं आपको दिखाता हूं कि रूम के अंदर जो है वो किस तरीके से चीजें हैं। रूम साफ सुथरा है, अच्छा है। यहाँ दोनों तरीके के बाथरूम्स अवेलेबल है। अगर कोई इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज करता है तो उसके लिए इंडियन स्टाइल है, कोई अगर ये कुछ रूम है विपश्यना का। एक बंदे के लिए काफी है। टॉयलेट रूम्स में आपको गर्म ठंडा दोनों पानी मिल जाएगा। मैं ठंडी में आया था तो मेरे को ठंडे पानी वाला हिसाब भी आपको मिल जाएगा। और आपको गर्म पानी चाहिए तो आपको गर्म पानी मिल जाएगा। ऑल राइट, ये होगी रूम की बात, तो हम लोग निकलते हैं सर। तो मैं और थोड़ी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ जो धम्म सोता वाला जो अपना विपश्यना सेंटर है वो दिल्ली लोकेशन से नियरेस्ट है, लेकिन वो एक्चुअल में ये आगे जो जितने भी लोकेशन हैं, जितने भी रूम्स हैं, सब मेल सेक्शंस हैं। और ये जो है सारा का सारा ये पार्क है, ये पूरा एक पथ मतलब एक पाथवे है, आप जा सकते हैं, पूरा घूमिए। खाना वाना खाने के बाद जो आपको गैप मिलता है वो सब विजिट विजिट कर सकते हैं आप अपना पूरा। ठीक है, हम वापस चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा था आपको जो धम्म सोता जो वाला जो है विपश्यना का ये वाला सेंटर जो है ये दिल्ली लोकेशन के लिए पास में है, लेकिन ये है रहाका विलेज हरियाणा में। लेकिन जब भी कोई बोलता है कि धम्म सोता के लिए कि हाँ, तो वो दिल्ली लोकेशन वाला जो है ये हरियाणा में ही पड़ेगा आपको, जो कि अगर मैं अभी रुक रहा हूँ हौसखास में, मालवी नगर हौसखास बगल में ही है, वहाँ से ये अराउंड 45 किलोमीटर्स के आसपास है। और अगर आप ओला उबर से आते हैं तो लगभग 40 मिनट्स जो है आपको लग जाएगा, 40 मिनट से एक घंटा पूरा आपको लग जाएगा। और यहाँ पे मोर वोर बहुत है, साधक लोग जो हैं पूरा मस्ती काट रहे हैं आज भाई। 10 दिन तक बात नहीं करी तो आदमी तो मस्ती काटेगा ही। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का किचन सेक्शन जहाँ हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है, यहाँ मैनेजमेंट ने यहाँ हर एक चीज़ का इंतजाम किया है। मतलब ठंडी का टाइम चल रहा है, तो गर्म पानी, ठंडा पानी, इवन अदरक वाला पानी का सेपरेट अरेंजमेंट है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट होगा। थोड़ा वीडियो क्वालिटी गड़बड़ होगी उसके लिए,
माफ़ी, ये पूरा सेशन है। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिक बात मैं आपको बता दूँ, हर बंदे का यहाँ पे रूम नंबर है, राइट। 47 मेरा 46 था, तो मैं 46 ही खा सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ प्लेट। 46 वाला नंबर वाला बंदा यहाँ से उठाएगा, प्लेट उठाएगा अपनी, अपना सामान लेगा और अपनी ही सीट पे बैठा जाएगा। ये कि ये डिस्प्ले बोर्ड यहाँ का, यहाँ आपने अपना सामान वामान लिया। ये सेक्शन है पूरा, मेल सेक्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। ये पूरा खाना वाना यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। मेरा रूम नंबर था M46, तो मैं M46 पे ही बैठूँगा। तो ये यहाँ M46 इस तरीके से। तो मैनेजमेंट बहुत ही, क्या कहते हैं, यहाँ अच्छा है, बहुत ही लोगों ने अपने एफर्ट्स दिए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, अगर मैं खाने की क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इज अनमैचेबल, किसी से मैच नहीं कर सकती। इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी सादा क्वालिटी और सफाई पूरी मिलेगी आपको। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का पगोड़ा सेल। अच्छा, मैं पगोड़ा बार बार बोल रहा हूँ, पगोड़ा मैं बता देता हूँ। ये छोटे छोटे केबिन्स होते हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे केबिन्स हैं उसको हम लोग पगोड़ा बोलते हैं। वो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनको नहीं मिलता है, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स को मिलता है 5-6 दिन के बाद। 10 दिन के कोर्स में 5-6 दिन के बाद ही मिलेगा। और क्या कहते हैं, वैसे आपको ग्रुप मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। तो मैं कहाँ था, पकौड़ा सेल, राइट। तो पकौड़ा सेल जो है न्यू स्टूडेंट्स को 7th डे पे मिलता है, जब वो उस लायक हो जाते हैं कि नहीं। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये आपके पकौड़ा सेल्स से सारे सारे जितने सेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये सारी सेल्स हैं, एक एक सिंगल सिंगल सेल्स हैं, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब अगर आप सेकेंड ओल्ड स्टूडेंट होंगे तब, या फर्स्ट स्टूडेंट में 7th डे या 8th डे पे आ जाते हैं तब आपको एक सेल मिल जाता है। वो उस तरफ आपको अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, तो मैं उस तरफ नहीं दिखा पाऊंगा आपको। और मेरा ये राइट हैंड साइड में आपका हॉल है, हॉल में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है ना, कर सकते ना। तो ये जो सेक्शन गया, ये हॉल है, ये ग्रुप मेडिटेशन हॉल है, राइट। इसमें सारे के सारे जितने भी आपके मेडिटेशन करने के लिए जो मेडिटेटर्स आते हैं, वो सारे सारे इस हॉल में बैठते हैं। अब कैपेसिटी 70 लोगों की है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ 35 लोग ही बैठ रहे हैं, सिर्फ 35 स्टूडेंट्स को ही अलाउड है। मैं आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, वहाँ गुरुजी बैठते हैं, प्रेजेंटेशन वहाँ चलती है शाम के टाइम पे लगभग 1.5 घंटा, और यहाँ सारे के सारे साधक हैं वो यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। तो ये था दोस्तों अपना मेडिटेशन हॉल, जहाँ पे हम लोग ग्रुप मेडिटेशन करते हैं। ये एक सेक्शन में आपको यहाँ दिखा देता हूँ।
ये कुछ इस तरीके से, अगर आप मेडिटेशन हॉल के बाहर निकले हैं तो ये कुछ इस तरीके से नज़ारा है। जैसे ही आप निकलते हैं तो इधर ये छोटा सा पार्क टाइप का, यहाँ जितने भी मेडिटेटर्स हैं सब यहीं आते हैं, यहाँ आकर वो आराम करते हैं, 10-10 घंटे बैठ करके, 2-2 घंटे बैठ करके, और मेडिटेशन के बाद पैर वैर बहुत दिख जाते हैं, तो बहुत लोग लेट भी जाते हैं और यहीं पे हम लोग आराम करते हैं। और ये कुछ इस तरीके से धम्म, अच्छा जो ये आपको कुछ, जो आपको कुछ दिख रहा है पगोड़ा, जो 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 आपका जिस स्ट्रक्चर में है शेप, डोम शेप में, ये इसके पीछे की स्टोरी इज कनेक्टेड विद म्यांमार में कुछ प्रेजेंटेशन है इस तरीके का, जो शो करता है कि डिज़ाइन म्यांमार में जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वहाँ से ये डिज़ाइन लिया गया है। अच्छा मैं आपको बता रहा था सेल्स के बारे में, आपको दिखाई देता हूँ, रुक जाइए, वहाँ से अगर क्लैरिटी अच्छे से मिलती है तो मैं उस तरफ सबको दिखाता हूँ। यहाँ जैसे ये एक एक सेक्शन दिख रहा है, जो आपको एक एक ये जो बिंदु टाइप का दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में एक एक सेक्शन है, ठीक है। और मेरे राइट हैंड साइड में अगर देखें तो वो जो आपको दिख रहा है उस तरफ, ये जो है अपना फीमेल सेक्शन वाला गया, और जो साधक लोग हैं वो फीमेल सेक्शन में उस तरफ अलग चला जाता है, इवन पगोड़ाज में भी, और मेल सेक्शन वाला ये वाला सेक्शन है जितना भी। यहाँ से हम लोग गए तो मे भी शायद मुझे फीमेल सेक्शन का नहीं पता, लेकिन मेल सेक्शन वाला पोर्शन इधर से आकर के हम लोग एंटर करते हैं, और वो हाफ पोर्शन गया होगा फीमेल सेक्शन वाले के लिए। तो मैं एक बार चल के एक बार देखता हूँ, अगर परमिशन मिल जाती है कि मैं अलाउड हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बाहर से तो आपने देख ही दिया। तो मेरे दोस्तों परमिशन तो मिल गई है, बस देखिए वहाँ पे, आई डोंट नो आपको उसमें वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ सामने असिस्टेंट टीचर का रेजिडेंस है। अगर मैं वहाँ गया या मैं इस तरफ गया तो शायद डांट खानी पड़ जाए, लेकिन देख लेते हैं, एक बार मुझे परमिशन थोड़ी सी मिल गई है तो मैं ट्राई करता हूँ। बस फर्स्ट सेल देखेंगे और तुरंत भागाएंगे, क्योंकि किसी ने पकड़ लिया मैनेजमेंट ने तो बहुत हल्ला हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ गलत काम नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सारे लोग अंदर मेडिटेशन करते हैं, और मैं कुछ बोलूंगा तो ये पगोड़ा सेक्शन है, ये कुछ और सेक्शन है जो कि डेवलप हो रहा है, अभी हुआ नहीं है पूरे तरीके से। वो जो आपको रेसिडेंस दिख रहा है वो असिस्टेंट टीचर का रेसिडेंस है, मतलब जो गुरु जी हैं वो यहीं रहते हैं, और यहाँ से ही क्या कहते हैं वो आते हैं। और ऐसा मैंने सुना है कि हर सेशन में जो यहाँ जो टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं पगोड़ा सेल में। ये हम लोग पगोड़ा के अंदर आ चुके हैं, और मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं करो okay. ये देखो कुछ इस तरीके से, अभी तो सारे स्टूडेंट्स बाहर हैं, मैं बात कर सकता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से सेक्शन बने हुए हैं, अंदर जा सकते हो, ये गेट खुलता है, ठीक है ना, बंद नहीं होता है। मैं आपको एक सेक्शन दिखा देता हूँ, जैसे कोई स्टूडेंट M58 में रुका हुआ है राइट, तो वो इसमें अपना मेडिटेशन कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, ये कुछ राउंड शेप में। जल्दी से बाहर निकल लेते हैं वरना डांट खानी पड़ जाएगी।
ये था मेरे दोस्तों पगोड़ा सेल, ठीक है। अब यहाँ फिलहाल जो मेजर मेजर चीज़ें थी, और यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ जो जो नेचुरल आपको फीलिंग मिलेगी वो बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि पूरा एरिया जो है 16 एकड़ का एरिया पूरा ग्रीनरी से घिरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब जो इस तरीके से जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो बिल्कुल ऐसे किए गए हैं जैसे कोई मॉन्क नहीं होता है, समवॉट लाइक दैट कि आपको एक भिक्षु जिस तरीके से खाना मांगता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वो किया हुआ है अरेंजमेंट। अगर मैं पगोड़ा सेल्स मेरे जस्ट पीछे है और मैं अगर उसके सामने खड़ा हूँ तो कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा। ऑल राइट गाइज, आज लास्ट डे है विपासना सेशन का। हम लोगों ने पूरी पैकिंग कर ली है, सब कुछ कर लिया है, और एक बेहतरीन छोटी सी जर्नी के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और यह है हमारे शाहरुख खान भाई, कुछ कहना है? तो आज हमारा विपश्यना का जो 11th डे था कोर्स एंड हो गया, तो मैं आप लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत अच्छी जगह एक्सपीरियंस करने के लिए, खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप जरूर यहाँ के लिए ट्राई करना। लेकिन एक बार तो हमने सीखे यहाँ से, आप यहाँ एक पर्पस लेकर मत आना। हाँ। यहाँ सीखना ऑटोमेटिकली आपको उसका बाय प्रोडक्ट मिलेगा, आप अगर अपना एम बनाकर आओगे। हाँ। तो शायद जो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते थे नहीं मिल पाएगा, आप ब्लैंक हो जाइए। इसको आपको ध्यान रखना है, जी जी, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो बाकी तो प्रशांत आपको बता ही रहा है। नहीं, बाकी तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेपरेट बनाने वाले हैं, बस यहाँ जो ये वाला व्लॉग था ये अभी हम उसके यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और इसके बाद मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।